देख रहे हो सिटी होम न्यूज़ चैनल ते मैं तुहाडी अपनी मनदीप कौर अज असीं पहुंचे लुधियाणे दे किले दे विच इतिहासिक किला जिथे कि तुहानू इस दीआं तस्वीरां असीं दिखा रहे हां जो बहुत ही पुराना किला आ ते इत्थे दीआं तुसीं बैक साइड ते देख सकदे जो कि इट्टां ने अज दे जमाने दे विच तुहानू इह इट्टां नहीं मिलदीआं हैगीआं कितों भी इह बहुत ही पुराना किला आ इत्थे दीआं कई कंधां दे उत्ते गोलियां चलीआं ने जिथे कि दसवें पिता जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे फौजां इत्थे रुकीआं सीगीआं 1947 दी लड़ाई लगी सी जदों तो वह भी तस्वीर थोनों असी दिखावे तुम इस टाइम देख रहे हो लुधियाने का इतिहासिक किला तो इतने दियाँ जड़िया है वा पिप्पल हैगी उन्हों जड़ा तुम देख सकते हो कि कंधा के विच। सो हुण असी गलबात करांगे रमनजीत लाली जी नाल जिन्हां वल्लों इह किले दी जो कि जिथे असीं तुहानूं तस्वीरां दिखाईआं किले उह कह रहे जिस तरह उस इस किले नूं बदलण बारे उन्हां दी सोच हैगी है कि इत्थे दीआं जो भी पुरानियां तस्वीरां ने उह सारा कुछ चेंज करके इस किले नूं चेंज किया जाए अज दे मुताबिक। आओ असीं उन्हां नाल गलबात करदे हां। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी तुहाडे सारे दर्शकां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल और अज तुहाडे इस चैनल दे माध्यम नाल यह जो लुधियाने का पुराना इतिहासिक किला है जिहदे बारे दस्या जाता कि सिकंदर लोधी राजे के समय अज तो 650 साल पहला यह उसारिया गया सी लेकिन वो बाद अज मौजूदा समय दे विच बहुत जर्जर हालत दे विच है ते असी साडे संगठन ने डॉक्टर बी आर अंबेदकर यादगार संघर्ष कमेटी ने बीड़ा चक्या और असी इस नूं सरकार दे दरबार तक लिजा चुके हैं और मैं मुख्यमंत्री साहब नाल कल परसों फिर मिलन मेरी मीटिंग है और मैं इस किले नूं हर हालत विच साडी जथेबंदी शहर का एक बहुत ही सुंदर हैरीटेज प्लेस वजो विकसित करन दा जिहड़ा साडा निर्णय हैगा उहनूं मंजिल तक असी पहुँचाणा। सो तुसी चैनल तुहाडा चैनल तुहाडे दर्शक उहनां नूं भी मैं बेनती करदा कि तुसी भी सारे इस मूवमेंट दे विच अपना योगदान पाओ तां जो कि असी अपने बच्चिआं नूं अपने लुधियाणा वासियां नूं जो ये घूमन लायक बन जाए इतने चीज़ा बन जाए तो उन्होंने असी अपनी लुधियाने की हिस्टरी तो पंजाब दे इस पिछोकड़ तो उन्होंने जाणू करवा सकी। सर इस टाइम इस किले दे विच किस किस चीज़ दी तस्वीरां तुसी दिखाओगे? देखो पहला तो यह मैनू लगता है कि यह टोटल 5-7 एकड़ जगह हैगी है ये सारे क्वार्टर कमरे बने हुए राजिया के टाइम दिया तुसी देख लो ये सारे जर्जर हालत दे विच है तो कोई ऐसी गल नहीं है जे सरकार फैसला कर ले तो इनू आपां सारे नू मोडिफाई कर सकते हैं इहदी रिपेयर कर सकते हैं रिपेयर करन तो बाद जिहड़े इह कमरे हैगे आ जो उत्थे बहुत बड़े बड़े हाल है आ सामने पार्क हैगा इस पार्क नू आपां इत्थे झूले वगैरह बच्चों लई ला सकते हैं पार्किंग बना सकते हैं वो जिहड़े बड़े बड़े हाल हैगे आ उहदे विच आपां रेस्टोरेंट डिवेलप कर सकते हैं बार बना सकते हैं बच्चों लई झूड़े पंगूटे सो लोगों के घूमन के लायक यह जगह बन सकती है। सो मैं शासन ते प्रशासन नूं भी तुहाडे चैनल के माध्यम नाल बेनती करदा कि इस चीज़ वल गौर किया जाए क्योंकि यह शहर के अंदर है और लुधियाने दे विच कोई खास पुरानी इतिहास नूं दर्शाउंदी कोई चीज़ लुधियाने च है नहीं यही एक किला है तो जे आपां इहनूं एज़ ए हैरीटेज प्लेस विकसित कर लीए तो इत्थे लोगों का आना जाना घूमना वो तो है ही है लेकिन नाल दी नाल सरकार लई प्रशासन लई इह इनकम भी बन सकती है। सर देखिया जाए तो कहा जाता है कि किले दे विच फौजां भी रुकियां सीगियां वह किन्नी देर की गल पुरानी? मैं तुहानूं दस्सिया कि 650 साल पहला राजा सिकंदर लोधी सी उस समय दे इह बनिया होया किला और उहदे बाद यह काफ़ी इत्थे जो राजा सिस्टम सीगा फौजां भी रुकदियां होणगियां राजे भी रुकदे होणगे सारा कुछ सीगा लेकिन अज दी डेट दे विच सरकार वालों भी इत्थे कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह चलाए जांदे आ इत्थे पहला डाइंग दा काम भी हुंदा सी क्वालिटी मार्क हौजरी वास्ते मिलदा हुंदा सीगा लेकिन शायद हौली हौली वो सारे डिपार्टमेंट बंद हो गए एक इंस्टीट्यूट हैगा तो इत्थे इंस्टीट्यूट भी बड़े हो सकदे आ। सो अज दे युग च नवीं पीढ़ी नूं लुधियाने की विरासत लुधियाने का इतिहास लुधियाने का पिछोकड़ जिहड़ा हैगा उहनूं जाणू करवाउण लई इस चीज़ नूं डिवेलप करना बहुत जरूरी है। सर देखिए असीं तो अंदर जाके किले दे देखो ये सारे कमरे बने हुए है ना तो आह इहदी हालत हुई हुई है दरख्त कंधां दे विच उगे हुए है लेकिन यह सारा कुछ ठीक हो सकता इहनूं इसे तरह आपां रिपेयर करके
बैठन दे लायक घूमन दे लायक बना सकते हैं। और मैं तो सरकार नूं एक बेनती ये भी करूँगा कि सरकार सहयोग करे। मैं शहर वासियां दियां जिन्नियां साडियां संस्थावां बनियां होर भी साढ़े उद्योगपति हैगे आ और बहुत सारिया समाज सेवी संस्थावां उन्हां सारिआं नूं अपील करांगे कि अपना आर्थिक सहयोग भी करन। हो जाएगा और उहदे नाल पैसा पैदा करके इकट्ठा करके असी जे इत्थे लाइए तो असी अपने पुराने विरासत नूं संभाल सकदे आ और बच्चों लई इह एक नवीं पीढ़ी लई बहुत वधिया चीज़ है। सो जिद्दां कि तुसीं देख सकदे हो दरख्त भी जिहड़े हैगे ने कंधां दे विच उगे होए ने। देखो दिखाणा जी आह दरख्त किड्डा वड्डा दरख्त दीवार दे विच आ। इत्थों इस गल दा अंदाजा भी आपां ला सकदे आ भी इह उस समय जदों सीमेंट नहीं सी सरिया नहीं सी तो किन्ना मजबूती दे नाल इह बणिया हैगा कि दीवार जिहड़ी आ उसी तरह खड़ी है। सो इहदे बारे इह भी मैनूं पता लग्गिया कि इह जिन्नियां आह इट्टां लगियां ये सारिया इत्थे साडे लुधियाणे दे लागला पिंड सनेत है कहिंदे उत्थों किसे समें इह इट्टां बण के आईआं सी उहनां इट्टां दे नाल। अज दे टाइम च सर इह इट्टां तां नहीं मिलणियां हैगियां जिस हिसाब नाल इट्टां इह लगियां होईआं ने। नहीं ये इत्थे जिहड़ी इट लगी है ये उही इट लगी है कुछ नहीं वो हो जाएगा। एक मैं होर महत्वपूर्ण गल दसना चाहना तुहानूं कि ये देखो उजाड़ बिया बाण उजाड़ बिया बाण इत्थे कई तरह के नशेड़ी टाइप लोग आके जिहड़ियां गतिविधियां करदे आ जुए भी खेडदे आ नशे पत्ते भी करदे आ जे आपां इहनूं संभाल लांगे इहदी मेंटेनेंस होएगी तो जिन्नियां भी अनैतिक गतिविधियां इत्थे होंदियां वह भी सारियां रुक सकदियां और नवीं जनरेशन लई इह एक बहुत ही वधिया मार्गदर्शक दे रूप दे विच इह किला कम कर सकदा और साडे राजिआं बारे साडे लुधियाणे दे इतिहास बारे बच्चिआं नूं जाणू करवा सकते हैं। आ जाओ अगे भी मनदीप आ देखो सामने जिहड़ा ग्राउंड है मेरा ख्याल घट्टो घट्ट इह 2 एकड़ दे विच 2-3 एकड़ च इह ग्राउंड होना आजाड़ है। इत्थे यह ग्राउंड डिवेलप हो सकता और मैं एक होर ताजुब वाली गल है कि यह जिहड़ा किला हैगा बहुत हाइट पर है और लुधियाणा जे इत्थे असी ना इत्थे कोई रेस्टोरेंट इदां दा बना दीए होर इत्थों उच्चा चक के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बन सकता तो सारा लुधियाणे शहर का नज़ारा आपां इत्थों देख सकते हैं। सो यह बड़ी गल नहीं है। मैं जिद्दां तुहानूं पहलां भी कहा कि मैं खुद मेरी खुद जथेबंदी शहर के सारे लोग शहर दियां सारियां समाज सेवी जथेबंदियां असीं रल मिल के सरकार साडा सहयोग करे नगर निगम जिहड़े भी इह विभाग हैगा पुरातत्व विभाग यह सारा साडा सहयोग करना असीं खुद ही इहनूं डिवेलप कर देंगे असीं खुद बीड़ा चक्कांगे और इत्थे सफाई करनी आ करना यह सारा 2-4-3 महीनों के काम यह हो सकता और शहर लिए यह आ जाओ मैं तुहानूं आ देखो यह किड्डा वड्डा हॉल है अज के हिसाब से जो आप देखे जाए तो यह घट्टो घट 1000 गज के हॉल होगा और उपर यह छत देखो कोई ये सरिया नहीं है उस 650 साल पुराना कुछ नहीं हो थोड़ा थोड़ा सीमेंट झड़िया यह रिपेयर हो सकता ये थले सपोर्ट वगैरह दे के यह हॉल जिहड़ा हैगा इहदे विच रेस्टोरेंट बन सकदा और बहुत वड्डा रेस्टोरेंट बन सकदा सेंट्रल एसी तां जो कि शहर के लोग इत्थे आके इंजॉय करन एकांत है शांत है और सब तो वड्डी गल कि शहर के हार्ट जिद्दां आपां कह दिंदे ओ जगह है लेकिन पता नहीं क्यों यह इन्ना चिर नज़रअंदाज रही है। सो मेरी बेनती है जिला प्रशासन को भी डीसी साहब को भी मैं मंग पत्र दे चुकिया मैं साढ़े दे इत्थे जिहड़े लोकल कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू जी है उन्होंने भी मैं नॉलेज लिया मैं सीएम साहब को भी लिखे और मेरी सीएम साहब ने जिदा किया कि मीटिंग हैगी आने वाले 2-3 दिन दशहरे तो बाद इस गल नूं मैं प्रभावशाली तरीके दे नाल रखना कि हर हालत में इस पुराने किले को आप संभालिए पुरानी विरासत को संभालिए और लोगों के घूमन लायक आप जगह बनाइए ता जो कि लोग इत्थे आके आनंद माण सकन और बहुत सोहणियां रंग बिरंगियां लाइटां पार्किंग रेस्टोरेंट होटल बार हर चीज़ इत्थे बन सके। आ देखो इस किले के अंदर एक धार्मिक स्थान भी बनया होया ये भी उस समय का होएगा इत्थे लोग अपना मत्था टेकते होंगे। सो मैं जिहड़ी उत्थे पहला गल करके आया भी जी इत्थे भी यही लुधियाने भी बहुत हाइट प्लेस ते है। आ देखो इतों सामने
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾ ਦਈਏ ਏਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਲੇਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲਾਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਲੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਦ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਰੇਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੈਨ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਈਏ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਉਣ, ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗਗਨ ਜੀ।